नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत। भुगतान को लेकर निवेशकों ने जब तब के बैनर तले लखनऊ के जेको गार्डन मैदान में धरना प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे निवेशकों ने सरकार से मांग की कि चीट फंड कंपनियों के मालिक को गिरफ्तार कर उनका पैसा वापस दिलवाया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में सक्षम अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सहारा इंडिया परिवार, विश्वामित्र इंडिया परिवार, PCSL पर्ल्स, साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड, श्री राम रियल स्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन, GCA मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, समृद्धि जीवन मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव टोगो, KBCL लिमिटेड, साई प्रसाद बाइक बोट, हेलो टैक्सी, शाइन सिटी, फ्यूचर मेकर, ट्रिनिटी जनशक्ति, राधा माधव, GN गोल्ड, HBN, टॉप राइड, स्ट्रीट हॉक्स, रोज वैली, DPSR, अर्थतत्, अमृत प्रोजेक्ट, केमुना, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, संजीवनी नवजीवन, ग्रीन टच प्रोजेक्ट लिमिटेड, परिवार डायरी एवं एलाइड लिमिटेड, सक्षम डायरी, कर्म भूमि, पिनकॉन ग्रुप जैसी हजारों ठग कंपनीज एवं सोसाइटीज ने देश के हजारों लाखों नागरिकों को धोखाधड़ी से ठगा है। राज्य एवं केंद्र अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से लाखों करोड़ रुपए की ठगी की है। इन कंपनियों के निदेशकों को गिरफ्तार कर निवेशकों को उनका पैसा दिलवाया जाए। इस अवसर पर जब तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आजाद, महासचिव रमेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राम सागर शुक्ला, रामदेव गौतम, जिलाध्यक्ष करण कुमार, जिला सचिव दीपक के अलावा हजारों की संख्या में निवेशक मौजूद थे। प्रदर्शन में क्या क्या हुआ, देखिए ये वीडियो। पैसा हमारा है आपका, पैसा हमारा है आपका, पैसा हमारा है आपका, पैसा हमारा है आपका। भाई मानो, भारत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।